السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں آج اس مقام پر آیا ہوں چروے کرنے کے لیے. کم سے کم 8 کلو میدہ ہے اور وہ میدے پورا اچھا ملا کے یہاں میں چروے کرنے والا ہوں. اور یہ چروے کرنے کارن کیا ہے, یہ ٹھنڈکالا ہے. ٹھنڈکالے میں شکار جو ہے بہت کم ہی ہو رہا ہے, شکار زیادہ نہیں ہو رہا ہے, اور اس لیے मैदा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. कि जो हर एक रोहू जो फिश होता है, रोहू हुआ, मृगल हुआ और बच्चा हुआ, ये सारे मछली का क्या है, कतला फिश है, तो वो सारे ये मुंह जो है उसका होंठ पक्के से रहती. इसलिए क्या है, आटे को मुंह लगाने से पहले वो सस्ती रहती, वो खाएंगे तो दर्द उठती, इसलिए नहीं पकड़ता. इसलिए मैं मैदे का इस्तेमाल कर रहा हूँ. या मैं मैदा चरवाई, मैं मैदे का चरवाई करने वाला हूँ. देखता हूँ कि शिकार कैसे करेंगे कल इंशाल्लाह. आज चरवे कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग भी इसी तरह चरवे कीजिए. अगर आप लोग शिकार करना चाह रहे हैं, इसी तरह चरवे कीजिए. इसी तरह दूसरे दिन ये सुबह डाली चरवे कीजिए, कल सुबह ये टाइम पे आप बैठ जाइए.
इंशाल्लाह ज़रूर शिकार होगा। इसलिए भाई मेरी चरवे कैसे लगी इसलिए कमेंट में बताना। जो जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर। इसलिए मैं आज चरवे करने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ये चरवे ऐसा करना चाहिए।